लखीमपुर खीरी से जहां एम्बुलेंस कर्मियों की हरकत से मानवता शर्मसार हो गई है। मलारी के सड़क किनारे सीएससी गेट पर महिला शव फेंककर फरार हो गए, साथ ही एम्बुलेंस चालक भी फरार हो गया। वहीं वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले का सीसीटीवी से खुलासा होने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फरधान थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला फरधान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां एम्बुलेंस चालक ने महिला के शव को बीच सड़क पर फेंक दिया और इसके बाद से फरार हो गए। गनीमत रही ये पूरा वाक्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की है जब एम्बुलेंस चालक शर्मसार इस घटना को अंजाम दे रहे थे और ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 26 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज है और ये एम्बुलेंस चालक है जिनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन था और किन वजह से इनको छोड़ना पड़ा। राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राम जी, 26 तारीख का ये पूरा वाक्य है, क्या कुछ पता चल पाया, आखिर क्यों किया गया ऐसा? देखिए स्वीटी, पहली बात तो ये है कि जब रक्षक बक्षक बन जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा गया कि जो एम्बुलेंस कर्मी थे, तो इनकी एक बड़ी लापरवाही निकल के आई है। 108 एम्बुलेंस कर्मी थे और हुआ ये कि आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मी थे और उसपे हुआ ये कि इन लोगों ने जो महिला थी ये बीमार थी, विक्षिप्त थी, एक तरीके से काफी बीमार थी, तो इसको उठाने के ले जाने के बाद जो सीएससी इनको ले जाना था तो सीएससी ले जाके इन्होंने उसके सीएससी बाहर गेट पे डाल दिया। गेट पे डालने के बाद जो महिला की है मौत हो गई कहीं ना कहीं। उसके बाद सुबह डेड बॉडी जब देखी गई तो आस पड़ोस में एक हलचल, महिला उस समय जिंदा थी। देखिए ये तो डॉक्टरों से बात हुई, उनका एक पोस्टमार्टम कराया गया है कि पोस्टमार्टम के आधार पे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं अभी उन्होंने कोई जैसा जवाब नहीं दिया है। लेकिन अभी जो घटना हुई, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ, सामने कैमरा लगा था, तो उसमें आपको बता दें कि जो एम्बुलेंस कर्मी है उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, बर्खास्त कर दिए गए हैं। ड्राइवर था और एक उनका जो जिम्मेदार पद पे होता है जो एम्बुलेंस में होता है उसको बर्खास्त कर दिया गया छुट्टी। तो आखिर ऐसा किस लिए किया गया, क्या इसके पीछे के मकसद है? अब देखिए जिस तरीके से घटना अगर आई है भाई, 108 एम्बुलेंस है, कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी आई है कि बाहर डेड बॉडी, अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो एक तरीके से उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सीएससी में ले जाके ना कोई जिला अस्पताल ले जाके उसको मर्सी में रखवाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं डेड बॉडी को डाल के भाग जाना एक बहुत संदेशपद है। और पुलिस का कहना है कि हम लोग भी जांच करेंगे इस मामले में, मुकदमा दर्ज करके जो एम्बुलेंस कर्मी इनसे भी पूछताछ करेंगे कि आखिर डेड बॉडी या जिंदा अगर महिला थी तो कैसे डाल के चले गए। एम्बुलेंस कर्मी का बयान निकल के सामने आया इस बाबत? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो एम्बुलेंस कर्मी है उनसे इस बात करने का प्रयास किया गया लेकिन वो बात नहीं करी उन्होंने किया। लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मी जो एम्बुलेंस जिनके अंडर में चलती है उनकी तरफ से स्टेटमेंट जरूर आया है कि दोनों की सेवा समाप्त कर दी गई है और जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।